हाय एवरीवन, आप सभी का इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए भरवा भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी से आप जब भी भिंडी बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी, साथ ही बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो भरवा भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम एकदम ताजी भिंडी ले ली है। इसे मैंने धो करके साफ कपड़े से एकदम अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिंडी के जो टॉप का हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा, उसे हम कट करके अलग कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से सारी भिंडी को मैंने कट कर लिया है। अब इसके सेंटर में हम एक चीरा लगाएंगे मसाला भरने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से लंबा लंबा हमें चीरा लगा लेना है। इससे हम जांच भी कर पाएंगे कि भिंडी अंदर से साफ है कि नहीं, या फिर इसके अंदर अगर कोई कीड़ा होगा तो वो हम हटा देंगे। तो ये देखिए सारी भिंडी को मैंने इसी तरह से कट करके अच्छी तरह से चेक कर लिया है। अब इसका मसाला बनाने के लिए एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, इसी के साथ एक बड़ा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और एक बड़ा चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच यहाँ मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और एक बड़ा चम्मच यहाँ मैंने सौंफ का पाउडर डाला है। सौंफ को तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ले, फिर आप उसे पीस ले। और एक छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर ऐड करेंगे। आमचूर की जगह आप चाट मसाला, नींबू का रस या अचार का मसाला यूज़ कर सकती हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और आखिर में यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन के पेस्ट नहीं लाइक करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मसाला यहाँ हमारा एकदम चिपका चिपका सा बना है। इससे क्या होता है, भिंडियों को भरने में बहुत आसानी होती है। अगर आप इसमें लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड कर रहे हैं तो इसे इस तरह की कंसिस्टेंसी पर लाने के लिए आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को हम भिंडियों में फिल कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सावधानी से हम भरेंगे ताकि भिंडियाँ टूटे नहीं, और मसाले को हम अच्छी तरह से अंदर तक फिल करेंगे इस तरह से। तो जितना मसाला इसके अंदर आएगा हम उतना डालेंगे और हल्का सा हम प्रेस कर देते हैं इस तरह से, ताकि ये आपस में स्टिक हो जाए। और ये देखिए एक भिंडी भर करके मैंने तैयार कर ली है, और ठीक इसी तरह से हम सारी भिंडियों को भर करके तैयार कर लेंगे। और जितना मसाला फ्रेंड्स यहाँ मैंने तैयार किया था उससे यहाँ सारी भिंडियों को मैंने कवर कर लिया है। ये देखिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने पैन गरम किया है और इसमें हम ऐड करेंगे दो बड़ा चम्मच तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच साबुत जीरा और एक छोटा चम्मच यहाँ मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। तो अजवाइन डालने से फ्रेंड्स भिंडियों में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, साथ ही अजवाइन डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। जब ये हल्के से क्रैकल हो जाएंगे तब हम भर कर रखी हुई भिंडियों को इनमें डाल देते हैं। और अब एक बार हम तेल के साथ भिंडियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारी भिंडियों को इसी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे कुक करने के लिए हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ढक कर हम भिंडियों को पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ढक दिया है। अब 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर हम इन्हें पकने देते हैं ताकि भिंडियाँ अच्छी तरह से पक जाए। और 7 मिनट के बाद हम लिड हटाएंगे। ये देख सकते हैं भिंडियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इन्हें हम हल्के हाथों से फ्लिप कर देते हैं। हल्के हाथों से ही हमें इन्हें पलटना है, नहीं तो जो भिंडियों का मसाला है वो निकल सकता है या फिर भिंडियाँ टूट भी सकती हैं। अब हम इन्हें कवर नहीं करेंगे और इसी तरह से खुले में हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो फ्लेम को यहाँ हम अब मीडियम कर देंगे। ये देखिए भिंडियाँ एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी सी हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स भिंडियाँ हमारी एकदम क्रिस्पी बन चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती हैं ये खाने में। तो इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और ये भरवा भिंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसी एक आसान सी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।